सादर नमस्कार साथियों साथियों, आज की जानकारी हमारी माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से है। कभी कभी साथियों देखे होंगे कि हमारी माताएं बहनें इस बात को लेकर बहुत चिंतित हो जाती हैं कि उनका जो दूध पीता हुआ बच्चा है अब काफी बड़ा हो गया और इसके बावजूद भी वो दूध छोड़ता नहीं है। वो इसलिए नहीं छोड़ता है कि किसी किसी माताओं बहनों में ऐसा होता है कि मिल्क का जो फ्लो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से बच्चा, चूंकि दूध उसको मिलता है इसलिए उसको आदत पड़ जाती है और वो छोड़ता नहीं है। अब एक निश्चित समय के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाए, सपोज करिए किसी का बच्चा 2 साल का 3 साल का 4 साल का हो जाए और इसके बाद भी वो फीडिंग कर रहा है, तो निश्चित रूप से माताओं बहनों के स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़ता है। अब दिक्कत इस बात का है कि आखिर किया तो क्या किया जाए। साथियों, वो लोग आती हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि मेरा मिल्क जो है बंद हो जाए। तो साथियों, मैं आज आप लोगों को उन माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से जानकारी लेकर के आया हूं कि इस दवा के माध्यम से उनका जो मिल्क का जो ओवरफ्लो हो रहा है, जो ज्यादा फ्लो हो रहा है, वो बंद हो जाएगा और न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यानी अब आपका बच्चा बड़ा हो गया, वो नॉर्मल खान पान ले रहा है तो उसके मिल्क की जरूरत नहीं है, अब वो बाहर के मिल्क से भी अच्छा अपना पोषण कर सकता है। तो ये दवा जो है आपको बहुत ही हेल्प करेगी। इसके साथ ही साथ इस दवा के कुछ और भी महत्वपूर्ण सिम्टम जो आपके लिए शरीर में बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं होम्योपैथी की पाइपर निग्रम के बारे में। जी हाँ साथियों, मैं ये बताऊंगा कि ये दवा किन किन चीजों में इसका ज्यादा यूज है और वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि इस दवा का प्रयोग किस पोटेंसी में कब कैसे करना है। तो जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तथा एक एक बातों को आप ध्यान से सुनिए। तो आइए शुरू करते हैं पाइपरम निग्रम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, क्या आप मेरे चैनल पर भी पहली बार आए हैं और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां बहुत ही गहराई से पाना चाहते हैं, तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिए। और अगर पूरी जानकारी देखने के बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं, वाकई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो साथियों देखिए, कभी कभी क्या होता है कि मिल्क के फ्लो का बहुत ज्यादा मात्रा में होना भी हितकर नहीं होता। भाई अगर आपके स्वास्थ्य पर उसका दुष्प्रभाव पड़े तो निश्चित रूप से, और देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस दवा से आपका मिल्क का फ्लो तो रुकेगा ही रुकेगा, आपके स्वास्थ्य पे कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, यह सबसे पिकुलियर चीज है। तो इस दवा को आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ साथियों, कभी कभी क्या होता है कि शरीर में एक अनवांटेड रूप से अगर आपके प्रेशर पड़ रहा, जैसे आपके माइंड पे प्रेशर, आपके यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर, आपके इंटेस्टाइन पर प्रेशर, यानी ऑल ओवर आपके बॉडी में कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको प्रेशर महसूस होता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि जलन भी महसूस होता है, तो इस तरह के चीजों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ साथियों, ऐसा लगता है कि अगर हम बात आपके माइंड की करें, अब देखिएगा ध्यान से कि अगर माइंड से कोरिलेट करा देते हैं इस सिम्टम को, तो आपको इस दवा के यूज में और इसकी सफलता में और भी चार चांद लग जाता है। जैसे सपोज करिए कि आपके साथ ये समस्या है कि आपके मिल्क का फ्लो बहुत ज्यादा बन रहा है और मेंटली आपको ये दिक्कत ये रह रही है कि आपको जहां आवाज आई, कोई भी नॉइज का अगर आपको कान में गया तो आपकी परेशानी बढ़ जा रही है। ये सपोज करिए कि आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको उलझन हो रही है, नींद नहीं आ रही है, या किसी भी तरह की मेंटल या फिजिकल परेशानी है और इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपको कहीं म्यूजिक बजने लगी, तो म्यूजिक से क्या हो रहा है कि आपकी और परेशानी बढ़ रही है। ध्यान दीजिएगा साथियों, यही होम्योपैथी है। हर मेंटल सिम्टम को आप फिजिकल से अगर कोरिलेट करा देते हैं तो आप एक अच्छे डॉक्टर और अच्छी दवा का सही तरीके से इस्तेमाल करके और मरीज को पूरी तरह से लाभान्वित कर सकते हैं। तो अब देखिए, आपकी म्यूजिक से परेशानी बढ़ना,
और उसको कोरिलेट करा देना आपके सिम्टम से, फिजिकल सिम्टम से, तो आपको उस दवा के सिलेक्शन में बिल्कुल ही जो है सिक्योरिटी आ जाती है। अब देखिए आपकी अगर नोज की बात करें तो नाक जो है अक्सर नाक से ब्लड आता हो और नाक में खुजली होती हो, बार बार छींक आ रहा हो, तो भी ये दवा बहुत ही अच्छी है। इसके साथ ही साथ अगर साथियों आपके गले में बिल्कुल सूखा सूखापन रहता है, आपको इतनी भयंकर प्यास लगती है कि जैसे लगता गला बार बार आपका सूख रहा, भाई पर बहुत ही अच्छी दवा है साथी। इसके साथ ही साथ आपको जो है बर्निंग और प्रेशर होता है कहां, यूरेथ्रा के अंदर। ध्यान दीजिएगा आपके जो यूरेथ्रा में बहुत बर्निंग हो रही है, यूरेथ्रा मीन्स आपके पेशाब की जो है थैली में, आपके पेशाब की थैली में आपको जलन हो रही है। और क्या, देखिए आप बार बार यूरिन के लिए जा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि बार बार मुझे यूरिन लग रही है, लेकिन आपका जाना बेकार, जाते हैं पेशाब होती नहीं या बहुत थोड़ी सी हो जाती है, यानी कि आपके ब्लैडर में इरिटेशन, प्रेशर, बर्निंग, जो मैंने ऊपर अभी सिम्टम का जिक्र किया कि ऑल ओवर आपको बर्निंग और प्रेशर महसूस होता है। तो अब आप उसको यूरेथ्रा में कैसे अप्लाई करेंगे, यानी कि आपके यूरेथ्रा में बहुत प्रेशर, इनकॉन्टिनेंस होता है बार बार जाने की, और जब जाते हैं तो आपको क्या होता है कि आपको यूरिन जो है होती नहीं या बहुत कम होती, सोचिए कितनी प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं, चिड़चिड़ाहट होगी कि नहीं, और वैसे में कोई आपको म्यूजिक बजा दिया तो आप तो और परेशान हो गए और आपकी समस्या बढ़ गई। साथियों यही होम्योपैथी है। अगर इस तरह के डॉक्टर किसी भी समस्या को एक दूसरे से मेंटल और फिजिकल सिम्टमों को अगर आपस में कोरिलेट करा दे तो निश्चित रूप से मरीज का कल्याण होना सुनिश्चित है। तो अगर इस तरह की चीज हो तो साथियों पाइपर दवा उसके लिए रामबाण समझिए। इसके साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि इसके पहले भी मैं एसिड पिक्रिक में आप लोगों को ये सिम्टम को बहुत ही हाईलाइट कर चुका हूं, यानी कि प्रिया प्रिज्म, जिसे हिंदी में धनुष टंकार कहते हैं। साथियों कभी कभी देखे होंगे कि देखिए यहां खुल के कहने में कोई दिक्कत नहीं है, देखिए सेक्सुअल रिलेशन, हर मेल जो है इस बात को लेकर के चाहता है कि उसका जो सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी हो, वो चाहता है कि उसके जो जेनिटल पार्ट हैं वो प्रॉपर तरीके से एक्टिव रहें, उसका मूड सही रहे, उसको प्रॉपर तरीके से वो वक्त पे उसे अच्छा जो है प्लेजर दे सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वही चीज कभी कभी बीमारी का रूप ले लेती है। आप जैसे सपोज करिए आपके लिंग में अगर ऐसी समस्या आ जाए कि वो हमेशा और हमेशा वो इरेक्टाइल मोड में ही हो, वो हमेशा तनाव मोड में हो, और आपको क्या हो कि उसके वजह से आपके नसों में पेन हो रही है, भाई देखिए समय से हर चीज जरूरी होता है, लेकिन कोई चीज अगर परमानेंटली, यानी आपको लिंग हमेशा जो है इरेक्टाइल मोड में रहे और उसमें पेन होने लगे, नसों में दर्द होने लगे, तो कहीं ना कहीं ये एक बीमारी का रूप ले लेता है। इसी को कहते हैं साथियों प्रिया प्रिज्म, और प्रिया प्रिज्म के लिए पाइपर बहुत ही अच्छी दवा है। तो साथियों हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने पाइपर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे इस पर जो है महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। साथियों कहा जाता है ना कि होम्योपैथिक मेडिसिन को जब तक आप प्रॉपरली उसके डोजिंग को नहीं कर लेते हैं, तब तक यही होता है कि हमने तो होम्योपैथी दवा ली थी, हमने तो ये दवा ली थी लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। हम लोगों को अक्सर पेशेंट कहते हुए आता है कि डॉक्टर साहब ने फलानी डॉक्टर की दवा की थी, फलानी दवा ली थी, मुझे आराम नहीं मिला। अरे भाई आराम कैसे होगा, आपको किस डोज में लेना है, किस पोटेंसी में लेना है, कितने दिन तक लेना है, कैसे लेना है, इसकी जब तक आपको जानकारी रहेगी तब तो
तो सबसे अच्छा तो साथियों यही है कि आप अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके तब इस दवा का प्रयोग करते हैं तो आपको ज्यादा इसका बेनिफिट होगा। इसलिए कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, दवा की पोटेंसी और उसकी टाइमिंग डॉक्टर सेट करेगा। और वैसे इस दवा को जैसे आप सेक्सुअल क्राइटेरिया में यूज करेंगे तो इसको आप जो है थोड़ा अपर पोटेंसी यानी 201 में यूज कर सकते हैं, और अगर जहां प्रेशर की बात आ रही है जैसे यूरेथ्रा में प्रेशर की हमने चर्चा की और जैसे मिल्क के फ्लो की अगर हमने चर्चा की तो ऐसे कंडीशन में आप 30 पावर में रिपीटेड वे में लीजिएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी दिन भर में 3 से 4 बार 5 बार भी ले सकते हैं। जैसे अब माताएं हमारी बहनें हैं उनके मिल्क का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा, वो चाहती हैं कि जल्दी से छूट जाए, तो दिन भर में 4-5 बार इस दवा को 30 पावर में लें, उन्हें बहुत जल्दी राहत मिल जाएगा। साथियों आज की जानकारी आपको कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि आपको मैंने अपने शब्दों को सही तरीके से कहने की और समझाने की कोशिश की। मेरा प्रयास कैसा लगा आपकी प्रतिक्रिया के इंतजार में आपका अपना चीर परिचित दोस्त डॉक्टर SB तिवारी अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर पुनः आपसे मुखातिब होगा। तब तक के लिए आपका आशीर्वाद और प्यार चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।